आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सफल बनाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह और काजल जावला, रिटर्निंग ऑफिसर शाहपुरा ने शाहपुरा विकास खंड के उत्कृष्ट विद्यालय में तैयारियों का जायजा लिया। डिंडोरी जिले में शाहपुरा व महंदवानी जनपद क्षेत्र में प्रथम चरण को मतदान होंगे। वहीं 13 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने बताया कि डिंडोरी जिले में 3 चरणों में मतदान होना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि प्रशिक्षण, मतदान दल को रवाना करना, निर्वाचन EVM रखने के लिए स्ट्रांग रूम और साथ ही में मतगणना कक्ष, सूचना संग्रहण कक्ष चिन्हित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान दल रवाना होते समय तथा EVM जमा करते समय रहने वाली यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, मतदान कर्मियों और मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था रखने का अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इसके अलावा भीड़ को मतगणना केंद्र से निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। इस दौरान CEO राजीव तिवारी, तहसीलदार अमृत लाल धुर्वे व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, अब जो है चुनाव होना है। आप लोगों को जैसा पता है कि 3 चरणों में जिले में चुनाव होना है और 13 तारीख से नामांकन का काम शुरू होगा। अब ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे, स्ट्रांग रूम कहाँ होगा, सामान कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर बाद में काउंटिंग की तैयारी कहाँ पर होनी है। तो इसी सब चीज़ों का हम लोग जायजा ले रहे हैं, उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। वैसे SDM लोगों ने पहले से ही इसको देख रखा है, जस्ट हम लोग उसको फाइनल कर रहे हैं कि ये सही रहेगा। सर, स्ट्रांग रूम वगैरह सब और देख लिया है और स्ट्रांग रूम का चयन कर लिया है और PWD उसको उसके मानक के अनुरूप उसको तैयार करेगा। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए शाहपुरा से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।